पहली चीज तो है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फ्लैग मार्चेस कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जा रही है। दूसरा जो स्ट्रेटजी है वो इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट जहाँ जहाँ से आ रही है वहाँ वहाँ पर कॉर्डन भी हो रहा है, सर्च हो रही है, रेड। सर चार साथी आसाम भेजे गए हैं, उसकी क्या डिटेल? इट इज कॉन्फिडेंशियल, आसाम वाली चीज इज कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, एक का गाड़ी मिली है, गाड़ी में सीरीज साहब से सीरीज साहब क्या क्या था, क्या लग रहा है कि क्या क्या थे उसमें गाड़ी में जो सुबह रिकवर की गई? सुबह एक एसयूवी रिकवर की गई है, उसमें श्री साहब से एक लीगल वेपन सी या कुछ कर दो। श्री साहब सानू शक है कि हमारे पास सर श्री साहब छोड़ के भाग गया। हाँ जी, श्री साहब गाड़ियाँ जो हैं एसयूवी से जबर वो कल रिकवर हुई हैं। ये अपैंडेंट खड़ी थी आप सुबह, ये सर क्या गाड़ी कल भी थी वहाँ पर? ये कल नहीं थी, आज सुबह में। सर ये कल यूज़ किया इस गाड़ी को? हो सकता है यूज़ सर। सर क्या कल से लगाने की कोई इसमें अभी बात चल रही है या एनआईए को भी जांच सौंपी जा सकती है? एनएसए taking these people out, it is confidential. Sir, तुसी कल 78 बंदियां दा दावा कीता कि 78 की भी तो क्या लग रहा है कि ये इनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम आपस में हो सकता है? सर 78 बंदियां दा तुसी दावा कीता कल कि 9 हथियार फड़े ने, पर इहदे साथी सारे फड़े गए ने, अमृतपाल किवें निकल गया, ये किवें भज्जिया कि पैदल निकल के गया जां गड्डियां बदलियां ने? देखिए इहदे अगेंस्ट काफी ही पुलिस स्टेशन च केसेस रजिस्टर्ड सी, हीनियस क्राइम दे सी, साथी जिहड़े सीगे उन्होंने भी केसिज रजिस्टर्ड सके बार्निशिंग ऑफ वेपनस के। फिर इन्होंने कोई गड्डी खोई सी अमृतसर एरिया, वो भी केसिज रजिस्टर्ड सके। तो सानू ये हिदायत हुई सी कि टीमा बना के अपने नैप करिए। नैप करते करते एक लिंक रोड पर चला गया जी। वो लिंक रोड जी सी वो सिर्फ वन लेन रोड सी, एंड महतपुर होंगी सी, 12-13 किलोमीटर का रास्ता सी, तो पुलिस पार्टी पीछे लगी हुई सी। एंड उस रस्ते 6-7 इदा के मोटरसाइकिल वाले हैं जिन्होंने इन्होंने टकरा मार। अच्छा, कुछ तो डॉक्यूमेंटेड है जी, कुछ इदा के भी हैं जेडे जख्मी हैं जिन्होंने हूँ तक कुछ के कोल नहीं आए। ठीक है, मैदपुर जाके जब इंटरसैप्ट किया गया तो ये फरार किन्ने जाने ने? फिर चार जाने, उन्होंने ये चाचा जी हो सकते हैं? 7-8 सर। जो ये गड्डिया पिछा किया जा रहा है उदू चारे ड्राइवर गड्डी च सी? नहीं जी, वो मर्सिडीज एसयूवी मर्सिडीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਉਹ ਮਰਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਮਰਸਿਡੀਜ਼? ਨਹੀਂ, ਚਾਚਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ? ਨਹੀਂ, ਚਾਚਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਰ ਆਪ ਸਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਨੇ? ਸਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੈਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟਿਕਟ ਫੋਨ। ਸਰ ਅਭੀ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋ ਲੇਕਰ? ਕਿਆ ਕਹੀਂ ਪੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ? ਜਲੰਧਰ ਮੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਜੀ। सर इतनी प्लानिंग के बाद भी अमृतपाल फरार हो गया, पुलिस के मोराल पे क्या असर पड़ा है? मोराल हाई है, मोराल काफी डाउन था, जोश बिल्कुल हाई। तो कहां चूक हुई सर, प्लानिंग में चूक हुई? नहीं, प्लानिंग में चूक, आप इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए ना, आप इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए। सर की लगता है कि मर्सिडीज गड्डी सी ये इतनी है जहां ये एरिया तो बाहर चली गई है? एरिया तो बाहर भी जा सकती है, अपन हर एंगल तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि गड्डियां फाइनेंस कितों हुई हैं, उन गड्डियां फाइनेंस कितों हुई हैं। जिहड़ी मर्सिडीज गड्डी है उस बंदे ने खरीदी है जिदा भरा जिहड़ा सीगा इनकाउंटर च मारा गया सीगा, 10 किलो हीरोइन दिन। ठीक है जी, उहदे कोलों इन्ना पैसा कित्थों आया? एक मर्सिडीज गड्डी दी सीगी शायद जिहड़ी सोशल मीडिया ते वीडियो वायरल हुई लास्ट, वो किसे अमृतपाल होना दी सीगी? जी जी। फ्रंट गड्डी जिहड़ी है वो ठोकर मार के आगे निकल गई, बाकी जिहड़ी तीन गड्डियां सीगियां वो आपां ने रिकवर कर लिया। सर होर भी कोई गिरफ्तारी हुई है अभी तक? ऑपरेशन कहाँ हुआ जो पहला बार इसको देखा गया, वो कहाँ पर देखा गया और उसके बाद कितने किलोमीटर तक इसको पुलिस इसका पीछा किया? देखिए इसने अपना रूट 2-3 बार बदला है, पहले हरिके था, उसके बाद फिर दूसरे फ्लाईओवर से ये
फुल से दौबा में इंटर हुआ है। शाहकोट के एरिया में पहली बार देखा गया, वहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया, वहाँ पर यू टर्न ले लिया, फिर ये किसी फ्लाईओवर के नीचे से लिंक रोड पे चला। इलीगल सर खबर ये भी चली है कि हाँ जी इलीगल वेपन जो है वो 7 रिकवर हुए हैं, मौत 300 से ज़्यादा जो गाड़ी में जो मिल रहे हैं उनका भी कोई मतलब सर तुसी ये सारे केस दसे तुसी कि इहदे खिलाफ काफी केस सीगे पर यूके हाँ जी ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है एंड इस टाइम पे ये चीज मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। कोई पाकिस्तान दे नाल भी लिंक है इन्हां दे? पाकिस्तान नाल लिंक है जी। किस तरीके का लिंक है? इसे फंडिंग होती थी, कुछ लोग दिल्ली से भी अरेस्ट किए, ऐसा भी कुछ है क्या सर? ये नहीं है, हमें हवाला के पास इसे दुबई से होते हुए पेमेंट आती थी, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है फिलहाल इसके इन्वेस्टिगेशन। सर ISI के पास ऊपर क्या इनपुट है आपके पास कि ISI के साथ कोई लिंक है? ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो ज्यादा बेटर है। तो अनु है इनपुट है, अनु है इनपुट है कि सर एक चीज और आ रहा है कि इसकी वाइफ ने कनाडा का वीजा अप्लाई किया था और ये नेपाल के रास्ते कनाडा जाने की फिराक में भी था, ये हो सकता है मैटर ऑफ इंटरेस्ट। सर अमृतपाल के नाल और कितने जने सके जेडी फरार ने? हां जी फरार जेडे उना दे दो एंडेवर सके वो तो फड़े गए सी गड्डी च चार बंदे बैठे चल भी गए यानी कि दो जानकारी मिल गई थी कि पुलिस इसको चेस करने के लिए आ रही है? देखिए जानकारी तो होती है, जो क्रिमिनल है जिसपे जिसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड है वो ध्यान तो रखता ही है जी। FIR अमृतपाल लेके गए हैं चार लोगों, ये कॉन्फिडेंशियल है जी। FIR अमृतपाल के खिलाफ यहाँ रूरल में भी है जलंधर? रूरल में भी हम दर्ज कर रहे हैं जी, वो तो आज सुबह रिकवर हुई अमृतसर रूरल में भी। सर कोई गड्डिया के बीचों कोई ये भी कह रहे